लेकर आई कि अवाम कोरोना वायरस पर भारी पड़ने लगी। मुल्तान में तबलीगी जमात के 22 अरकान ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। न्यू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 24 में से 22 मरीजों की पहली रिपोर्ट मनफी आ गई। उधर रहिंदिया खान में मजीद 10 मरीजों का पहला कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया। तमाम मरीजों के दोबारा टेस्ट करवाए जाएंगे। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना के 101 मरीज सेहतियाब, 74 बाकी रह गए। 881 तबलीगी जमात के अराकीन का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने पर घरों में भेज दिया गया। रेलवे अस्पताल मुल्तान हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार। रेलवे अस्पताल के अमला और डॉक्टर्स ने कमर कस ली। मुल्तान रेलवे रोड डिवीजन अस्पताल में 50 बिस्तर का आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिया गया। एमएस डॉक्टर अखलस खान का कहना है, आइंदा 3 माह कोरोना वायरस के हवाले से अहम तरीन है। कोरोना वायरस से बेरोजगार होने वालों के लिए पंजाब हुकूमत का एहसन इकदाम। आइंदा माली साल में पंजाब रोजगार प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। नए माली साल के बजट में प्रोग्राम के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस होंगे। बेरोजगार अफराद को टैपटा के जरिए रोजगार फराहम किया जाएगा। कोरोना वबा का असर, हुकूमत का नई हुकूमत नौकरियां पैदा करने का फैसला। बहावलपुर समेत पंजाब भर में महकमा तालीम का बड़ा ऐलान। इंतजामी पोस्टों पर तैनात 55 साल से जायद उम्र अफसरान को रिटायर कर दिया जाएगा। स्कूल एजुकेशन ने इंतजामी पोस्टों पर तैनात अफसरान का सर्विस रिकॉर्ड मांग लिया। कोरोना वायरस की वबा से पंजाब में माली बहरान बढ़ गया। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों पर मजीद फंड के इजरा पर पाबंदी आयद कर दी। आइंदा से अब किसी मंसूबे और महकमे को तरक्याती फंड जारी नहीं होंगे। तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस मौजूदा फंड अब दीगर इंतजामी मामलात पर खर्च होंगे। जनूबी पंजाब भर में जुज़वी लॉकडाउन। मुल्तान बहावलपुर डीजे खान समेत सराकी खत्ते में मुतादिद दुकानें खुल गईं। बेशतर कारोबार बंद। किराना स्टोर, बेकरीज, मेडिकल स्टोर, तंदूर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ऑटो वर्कशॉप समेत कम रिस्क वाले दीगर कारोबार का पहिया चल पड़ा। शाहराहों पर मामूल से ज्यादा रश, ट्रेन ऑपरेशन बंद, ट्रांसपोर्ट और डबल सवारी पर पाबंदी बरकरार। जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी, गाड़ियों की चेकिंग। मुल्तान में लॉकडाउन के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट ताहाल बंद। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान सदर हुसैन आगाही ने दो रोज कारोबार करने की इजाजत देने की अपील कर दी। मॉडल बाजार डीजे खान के दुकानदारों का एहतजाज, कहते हैं हुकूमत ने किराए माफ किए, फिर भी किराया मांगा जा रहा है, किरायों में रिलीफ दिया जाएगा। मुल्तान और शरीफ में शहरियों ने लॉकडाउन के हुकूमती इकदाम हवा में उड़ा दिए। दफा 144 की खुलम खुला खिलाफवर्जी। अंदरूने बोहड़गेट बाजार, अलशम चौक, जहानिया रोड, खैरपुर डाहा रोड समेत अहमदपुर सरकिया रोड की दुकानों पर रश। इंतजामिया लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने में नाकाम। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत रकम मिलेगी या नहीं। बहावलपुर में सैकड़ों खातीन को SMS आने के बावजूद इमदाद ना मिल सकी। इंतजामिया का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने 17 अप्रैल तक आने वाले ज्यादातर SMS का डेटा रोक दिया, जल्द मसला हल हो जाएगा। उधर सखी सर्वर में बेरोजगार एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम से ताहाल मैसेज के मुंतजर। बच्चों का पेट पालने के लिए 12,000 रुपए उधार भी उठा लिए। बिहाड़ी में गांव 561 EB में दोनों बाजों से महरूम खातून को रकम ना मिल सकी। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ में सांस के फाल सेंटर पर मुस्लिक अफराद से फ्रॉड का इंकशाफ। मुस्लिक अफराद को रकम देने के बजाय रिटेलर अपने अकाउंट में पैसे मुंतकिल करता रहा। मोहम्मद साजिद और सगीर अहमद नामी दो मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। उधर जतोई बीट मीर हजार खान में फ्रॉड करने वाले रिटेलर सेंटर्स पर रंगे हाथों पकड़ लिए गए। पुलिस ने दो मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। डेरा गाजी खान के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुंतजमीन के कारनामे, आधे पैसे ना देने पर जिंदा गरीब कबायली खातून को मुर्दा करार दे दिया। कबायली खातून इमदादी रकम लेने पहुंची तो इल्म हुआ कि वो कब की मर चुकी है। दूसरी खातून को शनाख्ती कार्ड की मुद्दत खत्म होने का बहाना बनाकर अंगूठे लगवा कर भेज दिया गया। इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर कोरोना मुतासरीन के लिए ठोस इकदाम करने में सरे फहरिस्त। इस्लामी यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन ने 70 लाख रुपए से ज्यादा रकम कोरोना रिलीफ फंड में जमा करा दी। फंड का चेक वाइस चांसलर डॉक्टर अतहर महबूब ने गवर्नर पंजाब को खुद पेश किया।
मुल्तान में कोरोना के बायस अदालतों में छुट्टियों के पेश नजर वकला को माली मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला वकला को रिलीफ फंड दिया जाए। मेंबर पंजाब बार काउंसिल ख्वाजा कैसर बट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कोरोना के हालात में वकला रिलीफ फंड में 13 करोड़ 20 लाख रुपए जारी करने की तजवीज है। तालीमी बोर्ड मुल्तान में कोरोना के बाद छुट्टियों और इम्तिहानात की ताखीर का मामला, अगर कंट्रोलिंग अथॉरिटी की जानिब से इम्तिहानात रिवाइज शेड्यूल जारी हुआ तो तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। चेयरमैन तालीमी बोर्ड ने सक्रीसी ब्रांच को इम्तिहानात के निकास बरवक्त मार्किंग के लिए मुतल्लिका स्टाफ से राबते में रहने की हिदायत कर दी। भक्कर में अहम तब्दीली, डिप्टी कमिश्नर भक्कर आसिफ अली फारूक को तब्दील कर दिया गया। सैयद मूसा रजा को डिप्टी कमिश्नर भक्कर तायनात कर दिया गया। नए तायनात सीपीओ मुल्तान हसन रजा खान ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने हसन रजा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सीपीओ का कहना है कि इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे, शहरी घरों में रहें और एहतियात करें। फ्लोर मिल्स की रमजान की आमद पर हड़ताल की धमकी, वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान का मिल्स मालिकान के तहफुजात दूर करने का ऐलान। कहते हैं गंदम कटाई के सीजन में कोटे की जरूरत नहीं रहती, गंदम की कटाई अभी शुरू नहीं हुई, वो मिल्स को कोटा देंगे। रहीमिया खान में फ्लोर मिल्स का कोटा बंद होने और बैनल अजलाई नकलो हमल पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का एहतजाज। कहते हैं एग्जेक्टिव मेंबर पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन उस्मान महमूद का कहना है, क्या मुल्क में आटे की सप्लाई करने पर चोरी और स्मगलिंग के जिम्मे में आता है? मुतालिबा न मानने पर सोमवार से फ्लोर मिल्स बंद करने का इंदिया दे दिया। जनूबी पंजाब गंदम खरीदारी का अमल जारी, 3,45,000 मैट्रिक टन गंदम खरीद ली गई। वजीर कानून राजा बशारत और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेर सदारत इजलास। एहसास प्रोग्राम में बायोमेट्रिक के मसाइल पर नादरा की टीमों की मदद लेने का फैसला। सूबे में मसाजिद की जियो टैकिंग का अमल भी मुकम्मल। रमजान में मसाजिद की सिक्योरिटी पुलिस की तायनाती के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई। मुल्तान में तहसील सिटी और सदर के गंदम खरीदारी मराकज पर गंदम की वसूली, 70 से जायद मौजूद से गंदम सेंटर्स पर लाई जाने लगी। 1,000 से जायद बोरी गंदम पीआर सेंटर 1 और 2 पर वसूल कर ली गई। रहीमिया खान में महकमा फूड और गल्ला मंडी के आढ़तियों की मिली भगत, नाकिस गंदम की खरीद का इंकशाफ सामने आ गया। गल्ला मंडी में सरेआम नाकिस और पुरानी गंदम नए थैलों में पैक की जाने लगी। सरेआम भराई और सप्लाई पर तमाम महकमों ने आंखें बंद कर ली। बहावलपुर में चेयरमैन वजीर आला शिकायत सेल जावेद खान दौलत जई का खरीदारी मरकज का दौरा, इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। कहते हैं गुज़श्ता साल की नस्बत 15% जायद गंदम खरीदी जाएगी। टारगेट हासिल करने के बावजूद खरीदारी जारी रखेंगे। एएफसी नासिर खान के मुताबिक जिलाबंदी की खिलाफवर्जी पर 12 ट्रॉलियां पकड़ी गईं, एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लैया में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर महकमा फूड की कार्रवाई, गंदम स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। महकमा फूड ने 2 ट्रक कब्जे में ले लिए। उधर बूरेवाला में फूड इंस्पेक्टर की थाना फताशाह के इलाके में कार्रवाई, कच्ची पक्की में जखीरा की गई 4,125 मन गंदम बरामद कर ली। पंजाब फूड अथॉरिटी का ग्रैंड ऑपरेशन, मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां, मुल्तान में मिलावटी मिर्च और चाय की तरसील नाकाम बना दी। 6,000 किलो सुर्ख मिर्च, 1,275 किलो गैर मियारी चाय बरामद कर ली गई। दुकान सील उधर मियां चनू में जाली दूध और ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। फैक्ट्री सील उधर लोधरा में 42 केनाल पर सीवेज के पानी से काश्त आलूदा सब्जियां, हल चलाकर तल। परिंदों की ब्रीडिंग का सीजन शुरू होते ही महकमा वाइल्ड लाइफ भी मुतहरिक, परिंदों का शिकार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ का कहना है कि ब्रीडिंग सीजन में शिकार करने से परिंदों की अफजाइश नस्ल मुतासिर रहती है, शिकारी सख्त सजा और जुर्मानों के लिए तैयार हो जाएं।
लॉकडाउन के बाद आलमी तिजारत बंद, भावलपुर में कोरोना खजूरों की खरीदो फरोख्त पर भी असरअंदाज हो गया। खजूर की कीमतों में दुगना इजाफा, 6000 रुपये मन फरोख्त होने वाली खजूर की कीमत 12000 रुपये तक पहुंच गई। अजवा और कलमा खजूर मार्केट में दस्तयाब ही नहीं। पंजाब पुलिस की जानिब से बलूचिस्तान पुलिस को दो मोबाइल खिदमत मरकज गाड़ियों की फराहमी। आईजी के हुक्म पर मुल्तान पुलिस ने बलूचिस्तान से आने वाली दोनों गाड़ियों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया। आरपीओ वसीम अहमद खान ने मोबाइल खिदमत मरकज गाड़ियों का मुआयना किया। चंद रोज में गाड़ियां बलूचिस्तान पुलिस के हवाले की जाएंगी। रमजानुल मुबारक में मस्जिद में सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए जाएं, डीजी खान में डीपीओ अख्तर फारूक की गुफ्तगू। कहते हैं हुकूमत की जानिब से जारी करदा 20 निकाती एजेंडे पर अमल दरामद करवाया जाएगा। उधर डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर आबाद शिराजी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम का खानेवाल में मस्जिद और इमाम बारगाहों का दौरा, सिक्योरिटी प्लान का जायजा लिया। मियांवाली पुलिस की जानिब से रमजानुल मुबारक का सिक्योरिटी प्लान जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन असदल्वी का कहना है कि 1000 से ज्यादा अहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। 177 मसाजिद और इमाम बारगाहों पर पुलिस अहलकार तायुनात होंगे। गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए साफ नाके कायम, सिक्योरिटी अहलकार तायुनात कर दिए गए। रमजानुल मुबारक की आमद आमर, डीपीओ डीजी खान की हिदायत पर थाना सखी सरवर के एसएचओ सजाद हुसैन बुखारी की सरबराही में अम कमेटी की मीटिंग। साबिक चेयरमैन मलिक इरशाद हुसैन समेत उलमा इकराम की शिरकत। कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की यकीन दहानी करवा दी। मुल्तान की डिविजनल इंतजामिया लॉकडाउन से मुतासर तबकात की कफालत में पेश। कमिश्नर मुल्तान फानुल हक के हुक्म पर ट्रेन ऑपरेशन बंद होने पर कुलियों में राशन तकसीम। पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय तलाक नदीम कुरैशी ने चेक भी तकसीम कर दी। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन का ताजर इत्तेहाद ग्रुप के दफ्तर का दौरा। ताजर इत्तेहाद ग्रुप के रहनुमा मोहन शेख ने डिप्टी कमिश्नर का इस्तकबाल किया। कहा अपनी मददाम के तहत 12000 से ज्यादा सैनिटाइजर शहर में तकसीम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने ताजर बरादरी के इकदाम की तारीफ की। तो आज के इस प्रोग्राम के हवाले से मैं फिर मुतालबा करूंगा कि अरब ममालिक में भी, यूरोपी ममालिक में भी, अफ्रीकी ममालिक में भी और खासकर जो वस्ती एशिया है उन ममालिक में हमारे तलबा और हमारे जो मजदूर तबका है उनको वापस मुल्क लाने के लिए स्पेशल जिहाजों का इंतजाम किया जाए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जमात इस्लामी का एहसन इकदाम। मुल्तान में अमीर जमात इस्लामी सराज हक ने कोरोना फाइटर फोर्स का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं खिदमत का काम रमजान में भी जारी रखेंगे। कोरोना फाइटर फोर्स गली मोहल्ले की सतह पर जरासीम को स्प्रे और लोगों तक राशन पहुंचाएगी। हुकूमत को चाहिए कि सूदी निजाम के खात्मे का ऐलान करे। मुल्तान करंतीना सेंटर में काम करने वाले सेंट्री वर्कर्स के लिए खुशखबरी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 83 सेंट्री वर्कर्स को खसूसी एजाजिया जारी कर दिया। सीईओ नासिर शहजाद डोगर का कहना है कि जितना अरसा सेंट्री वर्कर्स क्वारंटीन एरिया में काम करते रहेंगे उन्हें डबल तनख्वाह जारी की जाएगी। दावत इस्लामी थैलेसीमिया से मुतासर बच्चों को ब्लड डोनेट करने के लिए मैदान में आ गई। हसनाबाद मुल्तान डीएचक्यू लैया बिहाड़ी और दी लेजेंड ग्रामर स्कूल मेला चौक में ब्लड कैंप। दावत इस्लामी के कारकुनान और शहरी खून के एहतियात करने पहुंच गए। उधर रीजनल ब्लड सेंटर मुल्तान ने स्वेद खून के 500 बैग डीजी खान टीचिंग अस्पताल को अतिया कर दिए। खानेवाल तहसील काउंसिल के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स का बिलों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन का कहना था तरक्याती काम मुकम्मल कर चुके, बिलों की अदायगी नहीं हो रही, तरक्याती मंसूबे मुतासिर हो रहे हैं। कमिश्नर मुल्तान मामले का नोटिस लें। महकमा मैपको में तरक्कियां, लेस्को के मैनेजर एहसन गिलानी की ग्रेड 20 में तरक्की। सैयद एहसन मोहियुद्दीन को सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से चीफ इंजीनियर लेस्को लगा दिया गया। अब्दुलरहीम सोमरू की सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सेपको से चीफ इंजीनियर के अहदे पर तरक्की। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एतरत हुसैन को तरक्की देकर मुल्तान भिजवा दिया गया।
बहावलपुर में नए डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर सैयद तनवीर शाह ने जिम्मेदारियां संभाली। कहते हैं शहरी या देही आवाम की सेहत और उनको तिब्बी सहूलियत प्रदान करना अवलीन तरजीह है। डॉक्टर जो स्टाफ अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं कोई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहावलपुर के नवाही इलाके में शोहर का अपनी बीवी पर बदतरीन तशद्दुद, मुतासर खातून को विक्टोरिया अस्पताल दाखिल कराया गया मगर जान भर ना हो सकी। थाना बगदाद अलजदीद पुलिस ने मुलजिम जिशान को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी सिटी शफकत अता और एसएचओ शफकत अता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मकतूला अफसाना की 8 माह कबल शादी हुई थी, मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बहावल नगर में गैर कानूनी हिरासत का मामला थाना सिटी एडवीन के थानेदार रिजवान और मुहर्रर शब्बीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सेशन जज के हुक्म पर बेलफ ने थाना सिटी एडवीन में महबूस असदुर्रहमान को हथकड़ी समेत बरामद किया था। डीजी खान में सीओ हेल्थ खलील अहमद सुखानी की सरबराही में डेंगू से बचाव का सेमिनार। सीओ हेल्थ खलील अहमद सुखानी कहते हैं तमाम महकमे डेंगू से बचाव में अपना किरदार अदा करें, मच्छर की अफजाइश को रोकने से ही डेंगू से बचा जा सकता है। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का तलबा के लिए ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम मुतारिफ। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर कहते हैं ऑनलाइन लेक्चर और सवालों जवाब के सेशन से तलबा का तालीम जारी रखना मुश्किल नहीं रहा। ख्वाजा सराओं को भी मुआशरे में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अहमदपुर शरकिया के ख्वाजा सरा एयान ने मेहनत करके करियाना स्टोर बना लिया, मेहनत से पेट पालने का साथियों को भी दर्श देने लगे। और माहिर सयाम में कौन बनेगा रोही की आवाज, रोही नाच मुकाबले में किसकी आवाज जुनूबी पंजाब के दिलों पर करेगी राज। कोरोना के पेश नजर रोही व्हाट्सएप के जरिए लेगा नाग महाजरात के ऑडिशन। नंबर आपकी स्क्रीन पर।